मेरा नाम सौरभ है, इनका नाम गौरव है, राइम हो गया सौरभ गौरव। सोच के नहीं रखा गया होगा राइम कतई नहीं, लेकिन वो शिम्बोश्का अपनी एक कविता में कहती है ना कि अगर इत्तेफाक था तो इनके साथ ही क्यों हुआ, कि दुनिया के अलग अलग दो कोनों में पैदा हुए लोग और एक अजब सही हो कि एक साथ धर दिए गए। शिम्बोश्का पढ़ी है? शिम्बोश्का बहुत कम पढ़ा था। वो विजय आलूवालिया वाला जो एक ट्रांसलेशन है संवाद से आया है, नहीं पढ़ पाया मैं अभी तक। कुछ कविताएं जो वेब पे चलती रहती हैं वो पढ़ी हैं। आज मैं तुम्हारी आंखों में लालच के कुछ बीज बोऊंगा क्योंकि मेरे पास उसकी दो प्रतियां हैं। अरे वाह। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, ये गौरव हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं जो आगे भी करते रहेंगे, पर आपको थोड़ा सा सिरा मिल जाए बातों का इसलिए ठहर गया। ये है किताबवाला, और किताबवाला में आज की जो किताब है वो है आर्टिकल 15। जी, आर्टिकल 15 जो एक फिल्म है उसकी पटकथा किताब की शक्ल में है। गौरव सोलंकी ने डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के साथ मिलकर उस पटकथा को, कथा को लिखा है और किताब की शक्ल में है। राजकमल प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। तो गौरव सोलंकी से आज बात करेंगे आर्टिकल 15 पर। पहले इस फिल्म का नाम कुछ और होने वाला था जी, फिर आर्टिकल 15 हो गया जी। क्या रहा वो प्रोसेस? क्यों? कानपुर देहात था इस फिल्म का नाम पहले जी, और कानपुर में ये कहानी बेस थी एक गांव में। लिखते लिखते हमको लगा कि दो बातें हो सकती हैं अगर इसका कानपुर देहात नाम हो, कि बाकी देश के लोग ये कह के पल्ला झाड़ सकते हैं कि ये सिर्फ कानपुर में होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो बड़ा आसान हो जाता किसी और जगह के लोगों के लिए, और हमको लगा एक ऐसी चीज़ जो पूरे देश में है उसको एक जगह के नाम क्यों मड़ना। तो उस लिए हमने फिर हमने वो टाइटल हटाने का सोच लिया, लेकिन ये नहीं समझ आया कि क्या टाइटल रखें। क्या क्या टाइटल सोचे फिर? कई तरह के टाइटल आ रहे थे, थीम आ रही थी, तो एक तो आग के अराउंड कुछ, आग का कोई समानार्थी शब्द हो जाए। और क्योंकि हमारे मन में ऐसा था कि ये जो हो रहा है इससे आग लगी हुई है, ऐसी फीलिंग थी फिल्म में। दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है, पर एक, आग है, पर हाथ समझ में आ रही है और वो सदियों से लगी हुई आग है। हाँ। तो उसके टाइटल हम सोच रहे थे आग के अराउंड, और दूसरा फिर लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड कुछ हो, क्योंकि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन रोकने की बात की गई थी आज से 70 साल पहले, जो अभी भी हो रहा है। तो उन विधान एक टाइटल आया था दिमाग में, संविधान से रिलेटेड शब्द ढूंढ रहे थे क्या क्या होंगे। एक शायद अनुभव के दिमाग में स्वाहा टाइटल आया था, और अलग अलग, हाँ अलग अलग तरह के आ रहे थे, शायद दावाग्नि या इस तरह की चीज़ें भी चल रही थी, अग्नि से रिलेटेड बहुत चीज़ें हम सोच रहे थे, पर वो असर नहीं आ रहा था। तो मैं, अनुभव और सुधीर मिश्रा के ऑफिस में, सुधीर जी भी थे, वो आरामनगर वाला दफ्तर, आरामनगर वाले दफ्तर में, तो उसमें हम लोग बैठे हुए थे और अचानक टाइटल पे बात चलने लग गई। वहाँ से लगा कि संविधान की कौन सी धारा है जो इसकी बात करती है, उस धारा पे टाइटल रखते हैं ना। तो मैंने सर्च किया फिर कि कौन सी धारा है, तो आर्टिकल, हाँ आर्टिकल 17 है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो जल्दी में हमने सर्च किया तो हमको लगा कि आर्टिकल 17 है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हमने डिसाइड किया आर्टिकल 17 इस फिल्म का टाइटल है। अगले कुछ, और हमको तीनों को बड़ा कैची लगा, ये लगा कि कुछ लोग कहेंगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल टाइटल है पर इंट्रीगिंग है। अगले कुछ दिन तक हमारे जो उस ड्राफ्ट का नाम हो गया आर्टिकल 17 वर्किंग टाइटल, हाँ स्क्रिप्ट टाइट जो फाइल चेंज करके आर्टिकल 17 हो गया। अगले कुछ दिन हम आर्टिकल 17 करते रहे। फिर एक दिन, कुछ दिन बाद हमारी, हम फिर से उसको पढ़ रहे थे आर्टिकल को, हमको लगा ये तो सिर्फ अनटचेबिलिटी की बात करता है, हम तो और बहुत ज़्यादा चीज़ें, डिस्क्रिमिनेशन कई ग्राउंड्स, कई तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। फिर हम आर्टिकल 15 पे पहुँचे जो सब तरह के डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर राज्य नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। हाँ, तो फिर हम आर्टिकल 15 पे पहुँचे, तो इस तरह ये यात्रा रही। गौरव, आप राजस्थान से भी जुड़े हैं जी? हाँ, मतलब से भी इसीलिए क्योंकि वो थोड़ा हरियाणा का भी दावा है, और हरियाणा का नहीं, वेस्टर्न यूपी का दावा है, वेस्टर्न यूपी का नहीं, हरियाणा का, क्योंकि हाँ, अभी कई लोग वहाँ बस गए हैं हाँ, जाके हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए एक आज हमारे न्यूज रूम में बातचीत हो रही थी कि एक कॉन्स्टेंट है करणी सेना, जिनका सीवी बहुत शानदार है क्योंकि उन्होंने एक फिल्म की ई उड़वा दी,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने पद्मावती को पद्मावत कर दिया, तो वो एक आई या ई की मात्रा, ई की मात्रा, तो ये बड़ी उपलब्धि है। तो उनका सीवी सॉलिड है, तो इसलिए बाकी सारे जो समाज के थे, ब्राह्मण समाज, ये समाज, वो समाज, तो वो कर्ण सेना वाले भाइयों ने हमारा साथ दिया। अभी जायरा वसीम वाला जो मसला हुआ, उसमें भी जो कश्मीर के इस्लामिक कट्टरपंथी, वो बोले मैं कर्ण सेना वाले भी अपने भाइयों से कहता हूँ कि वो भी हिंदी हिंदू बहनों को रोकें। तो एक कांस्टेंट बाकी वेरिएबल है। और उसमें फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने भी कहा कि साहब फलाने समाज के लोगों ने फिल्म देखी, उन्हें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, तो और लोग भी विरोध ना करें। ये मुझे फिल्म देख के पूरा ये समझ में नहीं आया कि ब्राह्मण समाज की जो एक बड़ी तोतली आपत्ति है, क्या आपत्ति है कि साहब आपकी फिल्म बदायूं कांड पर बेस्ड है, और बदायूं रेप कांड में तो जो आरोपी है वो यादव परिवार से हैं, तो इसमें आपने ब्राह्मण क्यों दिखा दिए? मतलब ये बड़ा सुभीते वाला तर्क है कि साहब रेप तो सिर्फ एक ही हुआ है, वो जाति के आधार पर दमन की इकलौती घटना है, तो आपको एज इट इज दिखाना चाहिए था। आप लोगों को ये अंदाजा था कि एक ये भी इस तरीके की कंट्रोवर्सी शुरू होगी? नहीं, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और ये तथ्यात्मक भी गलती है इसमें तो, क्योंकि फिल्म में ब्राह्मणों को हमने बलात्कारी नहीं दिखाया है। हाँ। और कई लोगों ने कहा कि ट्रेलर में बदमाशी थी साहब, ट्रेलर में वो जो उनको कंफ्यूजन हुआ वो इंटेंशनल नहीं था। हाँ। वो ट्रेलर में एक और घटना है जिसमें वो नाम आता है, और उससे उनको लगा कि एक रियल घटना पे बेस्ड उसमें यादव की जगह उसको दिखा दिया। तो बदायूं से हम इंस्पायर्ड ज़रूर थे, वो ट्रिगर पॉइंट था कहानी शुरू करने का, लेकिन उसके बाद हम एक फिक्शन में चले गए, क्योंकि बदायूं में तो दो ही लड़कियों की हत्या हुई थी, रेप हुआ था, हमने तीसरी लड़की एक जो लापता है उसकी कहानी, उसको ढूंढने की कहानी है, तो वो अपने आप हम उस कहानी से अलग हट गए। हमारे लिए जो जो बात हमें कहनी थी वो रियलिटी से, इन घटनाओं से ज़्यादा बड़ी थी, तो जहाँ जहाँ उस बात को कहने के लिए आज़ादी लेनी हुई तो हम उन जिन घटनाओं से इंस्पायर हुए उनसे हट गए, और उनमें से किसी भी घटना का हमने नाम नहीं इस्तेमाल किया। तो ये बेकार की आपत्ति है। कुछ संगठन, वही जो आपने बोला कि वो ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज, मुझे भी मैसेज आए। अच्छा, बोले आप तो परशुराम के वंशज हैं, आपको विरोध करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये तो अगर जातिवाद पर बनी एक फिल्म किसी जाति को, किसी जाति के लोगों को बेहतर बताए, या किसी जाति के लोगों को बलात्कारी बताए, तो मूर्खता है वो। अगर हम कहें कि ब्राह्मण ऐसे होते हैं तो फिर हम फिल्म क्यों बना रहे हैं? फिल्म तो हमारी पर्पज ही खत्म हो गया, तो कॉन्ट्राडिक्टरी काम हो जाता। तो हम तो कह रहे हैं हर जाति में हर तरह के लोग होते हैं, जातिवाद विलेन है। बिल्कुल। बहुत सारे जो लोग खासी दिलचस्पी के साथ करीब से राजनीतिक घटनाओं को देखते हैं, उन्हें बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट दिखेंगे। अब मतलब मुझे तो कम से कम दिखे, चंद्रशेखर रावण एक रियल लाइफ का किरदार है, भीम आर्मी का, निषाद के किरदार में वो झलक दिखती है। एक एक बहुत ही पासिंग सा सीन है फिल्म में, फ्लॉगिंग का, वो बंधे हुए हैं, तो आपको ऊना वाला वो पूरा विजुअल ध्यान आ जाता है। फिर ऊना वाले कांड के बाद ही जिग्नेश ने जब बोला था तो वहाँ पे कई दिनों तक काम बंद कर दिया गया था, हालांकि बाद में वो काम पर लौटे, ये भी एक तथ्य है। तो वो ध्यान आता है। और जो अम्बेडकराइट मूवमेंट के दौरान था, इनफैक्ट मुझे ध्यान है JNU में जब वीर भारत तलवार ने हमें गोदान पढ़ाया, तो उसमें एक दृश्य आता है जिसमें वो माता दीन को जबरन हड्डी ठूंस देते हैं, तो मुझे लगा यार ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो प्रोफेसर का जवाब था कि कई बार भविष्य की संभावनाओं और आंदोलनों को भी राइटर अपने वर्तमान में ही प्रभस करे, ताकि किसी के दिमाग में ये आए कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता, ये भी हो सकता है। तो ये क्या एक नई चीज़ है जो आप लोग कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ये हिंदी सिनेमा में पहले भी कई बार हुआ है? जैसे अनुराग की फिल्म है देवडी, तो एक DPS MMS स्कैंडल है जो काफ़ी चर्चित हुआ था उस ज़माने में, और मेरी याददाश्त में तो पहला MMS कांड है जिसकी चर्चा हुई थी और जो मोबाइलों में घूमा। तो देवडी में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, उनकी पहली फिल्म ब्लैक फ्राइडे भी वो तो खैर एज इट इज़ ही पूरी ही सत्य घटना भी थी। पर आपको लगता है कि ये चलन खूब आना चाहिए कि आसपास के जो रियल रेफरेंस हैं वो फिल्मों में आएँ, क्योंकि वो फिर एक अलग ढंग से हिट करते हैं आपको? तो मुझे लगता है कि हॉलीवुड तो बड़ी आज़ादी से बड़ी अच्छे से करता रहा है बहुत सालों से, हमारे यहाँ
बहुत कंटेम्प्रेरी प्रेजेंट की जो बात है वो नहीं की जाती रेफरेंसेस के साथ. पुरानी बात आप फिर भी कर लेंगे, पुरानी भी उतनी नहीं होती नाम लेके. तो मुझे लगता है कि इससे यथार्थ को देखने का एक अलग नज़रिया विकसित हो सकता है, या जिन घटनाओं की हम और आप बात कर रहे हैं जिनके बारे में जो अखबार में छपती हैं पर बहुत सारा तबका है जो उन पर ध्यान नहीं देता. सातवें पन्ने की खबरें, सातवें पन्ने की खबरें. तो हम चाहते थे कि सातवें पन्ने की खबरें जो हमको विचलित कर रही हैं अगर ढंग से बोली जाएँ तो शायद ज़्यादा लोगों को विचलित करें. तो हम उन सातवें पन्ने की खबरों को लाना चाहते थे और चैलेंज ये था कि वो सब अलग अलग घटनाएँ हैं, उनको एक कहानी में पिरोया जाए लेकिन वो अलग अलग चिपकी हुई चिप्पियाँ ना लगें. तो उसकी कोशिश की कि वो एक ऑर्गेनिक ढंग से एक कहानी में वो सुना सकें. और रियल किरदारों में, मतलब अगर आप निषाद का किरदार लें तो मुझे लगता है कि उसमें जो कंटेम्प्रेरी दलित एग्रेशन है आंदोलनों का, युवाओं का, उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश की है. हो सकता है कि हम जो रियल किरदार जिससे वो इंस्पायर्ड है उससे आगे चले गए हों. बिल्कुल. हो सकता है उसकी आइडियोलॉजी से अलग बातें हम कर रहे हों, ज़्यादा बड़ी बातें भी कर रहे हों, पर उसके ज़रिए हमने वो बातें ही करने की कोशिश की जो हम बातें करना चाहते थे. हमें जो पढ़ाया गया था वो सब झूठ था सर, इसीलिए टूट गया स्कूल शायद, वो वाली बात है. वो वाली बात है. हाँ, इसमें जैसे कई चीज़ें जो सातवें पन्ने की खबर में भी नहीं आती हैं. मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कोटा से आए लोगों को कोसते हुए जी. तो इस पर कई दलित चिंतकों ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले कोटा से तो कितने ही आए हैं, बाकी सब तो बिना कोटा वाले हैं, उन्होंने कितना संवार लिया है ये भी देख लीजिए, है ना. तो एक तरफ तो ये, उसमें जैसे वो जो डॉक्टर वाला एक हिस्सा है, ये भी कोटे की डॉक्टर है, विक्टिम भी कोटे की डॉक्टर है और हम इनको डॉक्टरी पढ़ाते हैं हमारे टैक्स के पैसे से. हाँ, ये बहस जो JNU में घटना हुई फरवरी में, उसके बाद हमने बहुत सुनी हर कोई टैक्स पेयर के पैसे में PhD कर रहे हैं, कितने साल PhD करेंगे, और वो ऐसा बोला जा रहा है जैसे ये चोरी कर रहे हैं टैक्स पेयर के पैसे से. हाँ. एक समाज को गर्व होना चाहिए कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मेरे टैक्स के पैसे से. हाँ. कि ज्यादा पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शायद समाज की बेहतरी में कुछ करेंगे. हाँ. पर इसको गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, या कोई ऐसा तबका जो शायद किन्हीं कारणों से, असमानता की वजह से तरक्की नहीं कर पाया, बराबर नहीं आ सका, अगर आपके टैक्स के पैसे से वो बराबर आ रहा है तो गर्व का विषय है. तो उसी को हमने थोड़े सरकास्टिक अंदाज में वहाँ रखा इन सब बातों को. हमने कई जोड़ियों के बारे में सुना, सलीम जावेद सबसे घिस चुका नाम. कैसा होता है, दो लोग हैं, एक व्यक्ति है अनुभव सिन्हा, है ना, बनारस के रहने वाले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BTech किया, 90s है, मतलब हम और आप तब नाड़ा बांधना सीख रहे थे, है ना, तब अनुभव सीरियल बना रहे थे मनोज पाहवा के साथ. मनोज की पहली फिल्म मैंने VCR पे देखी थी, तुम बिन, और फिर फिल्में उन्होंने बनाई, फिर म्यूजिक वीडियो बनाए, फिर फिल्में बनाई, और अब मुल्क के बाद से एक नए किस्म की फिल्में बना रहे हैं मुल्क, और अब ये आर्टिकल 15. और फिर गौरव सोलंकी हैं जो पिछले कई बरसों से मुंबई में हैं, कुछ एक गाने लिखे, पर कब से मतलब फिल्म लिखने गए थे, 7-8 साल हो गए, और अब जाके पहली फिल्म आती है. तो जब ये दो लोग साथ बैठ के लिखते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, वो मैं जानना चाह रहा था. उसका प्रोसेस होता है कि हमने बहुत सारी बातें की साथ बैठ के, उनके कुछ आइडियाज़ थे जो वो कहना चाहते थे इस कहानी में, मेरे कुछ आइडियाज़ थे जो मैं कहना चाहता था इस कहानी में, कुछ किरदार वो लेके आए, कुछ किरदार मैं लेके आया, फिर हमने उन किरदारों को क्या क्या बातें कहनी है ये डिसाइड किया, क्या क्या किरदार लाने हैं ये डिसाइड किया, और एक बिगिनिंग पॉइंट था वो रेप का इंसिडेंट, और अयान आता है एक आउटसाइडर, प्रिविलेज्ड एंटाइटल्ड नॉर्थ इंडियन अपर कास्ट मेल. कूल सर तो जिसके अंदर एक फ्लॉ है, जो बुरा आदमी नहीं है लेकिन उसका काम चल रहा है इनडिफरेंट रोन होने से, क्योंकि उसको नहीं झेलना पड़ रहा. तो जब वो पहली बार वहाँ घुसता है, 80s का बॉलीवुड दिख रहा है उसको उस कस्बे में, गांव में, तो वो कह रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा है कि मेरे को वापस आ जाऊँगा जल्दी से ट्रांसफ़र करा के, और कंट्री साइड इंडिया इज़ सो ब्यूटिफुल, ऑक्सीजन, हाँ, यहाँ दिल्ली की सारी ऑक्सीजन यहीं आ गई है. तो उस किरदार के थ्रू हम घुसना चाहते थे जो शायद शहरी दर्शकों में से बहुत बड़े हिस्से का भी एक किरदार है. तो जब आप देखो आप भी उसकी तरह घुसो, और फिर आपको एक रिविलेशन हो चीज़ों का, और तब आप शायद कुछ हिले आपके अंदर. तो इस तरह किरदार बने, जाटव का किरदार आया,
एक दलित एक्टिविस्ट किरदार चाहिए था तो निषाद का किरदार आया, ब्रह्मदत्त था, तो हमने उनकी जातियां भी सोची कि किसकी क्या जाति होगी, क्योंकि जातिवाद पे फिल्म बना रहे हैं इसलिए जानना बड़ा ज़रूरी था कि किसकी क्या जाति है और उस जाति को लेके उसके अंदर कितनी कितना जातिवाद है कितना नहीं है। जैसे एक मयंक भी है जो कायस्थ है लेकिन जो कहता है हम इन चारों से अलग हैं, इन चारों से अलग हैं। और एक छोटा सा मोमेंट है जब जाटव के पिताजी की बात होती है, जो झाड़ू लगाते थे, क्या दलिया बनाते थे वो, तो जहाँ बहुत सारे लोग एक दूसरे का छोटी जात का छुआ नहीं खा रहे जिनको छोटी जात का समझते हैं, वहाँ एक मयंक भी है जो कोई हीरो नहीं है पर वो तो खाता था उसके बचपन में भी उनके पिताजी के हाथ का, तो हमने उसकी। और जाटव है जो कह रहा है कि हम पासियों के हाथ का छुआ नहीं खाते, और ब्राह्मणों में भी एक किस्म का जो कान्य के सरयू पारीन है, तो ट्रेलर में भी था। तो हम ये सारी चीजें कानकुब्ज में भी कैटेगरी है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। हाँ। तो उसमें भी फिर कानकुब्ज में भी सब बराबर नहीं होते, मैं आपको और अगले स्तर पे ले जा रहा हूँ। तो सच में कानकुब्ज में भी सब बराबर नहीं होते, कानकुब्ज में भी फिर जो ग्रेडिंग होती है वो होती है आप कितने कितने बिस्वा के ब्राह्मण हो। तो सबसे ऊंचे वो 20 बिस्वा के ब्राह्मण माने जाते हैं, तो आप कानकुब्ज है सिर्फ इसीलिए आप बाकी कानकुब्जों के बराबर नहीं है। आपके पास जमीन कितनी है? नहीं नहीं, अच्छा। वो जमीन का भी नहीं, अच्छा। है। आप 100 बीघा जमीन के भी होके आप छोटे ब्राह्मण हो सकते हैं कानकुब्जों में भी, अच्छा। तो उसका अगला लेवल होता है कि आप 20 बिस्वा, तो 20 बिस्वा के ब्राह्मण होते हैं कि अग्निहोत्री, वाजपेयी, मनु के तिवारी और कुछ खास किस्म के मिश्रा। तो ये मतलब जात के भी अंदर जाती है, जात के अंदर के जात के अंदर जाती। हाँ, मैंने आपको इसीलिए एक लेयर और आगे, एक लेयर और आगे। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो बड़ी मजेदार बात लिखी है कि हिंदुस्तान में नीचे से नीची जाती अपने नीचे, से नीचे जाती खोज लेती, सबको पता है मुझसे नीचे कौन है। हाँ, और ये बहुत भयानक है। यस, ये और ये इतनी अंदर तक घुसा हुआ है कि शहरों में भी है, पढ़े लिखे लोगों में भी है, तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी लगा। हमारे एक चाचा हैं, बड़े अच्छे अच्छे पदों पर रहे, अभी पिछले दिनों मुलाकात हुई तो उनका तर्क था, नहीं नहीं कभी कभी ऐसे जनेऊ डाल लेते हैं तो लोगों को पता चलता है कि हमारे ब्राह्मण हैं। तो ये जो पता चलवाना है लोगों को, फेसबुक पे कितने सारे लोग अपने नाम के आगे राजपूत, पहला अक्षर, पहला शब्द राजपूत होता है, पहला शब्द जाट होता है, कुंवर, बाबू, ठाकुर। हाँ, मुझे हैरानी होती है आर्टिकल 15 के बाद जो फ्रेंड रिक्वेस्ट सारी, उनमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहला शब्द राजपूत है अपने नाम में। आयरनी, तो आयरनी है ये बहुत बड़ी। तो प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, तो हम बहुत डिस्कस करते रहते थे, हमने पहले एक स्टोरी सोची। तो जैसा फिल्मों में दिखाते हैं वैसे राइटर लोग लिखते हैं क्या, कैसे दो राइटर बैठे हैं, एक बड़ा सा कमरा है, सब तरफ किताबें हैं, एक सिगार का धुआं है स्लेटी सा जो ऊपर उठ रहा है, और राइटरों ने चश्मा लगा रखा है, दाढ़ी आपके भी है, अनुभव के भी है। हाँ। और ऐसी कुछ फिर रचनात्मक सी बहस हो रही, कुछ वैसा इतनी कुछ रोमांटिक नहीं होती, कुछ इतनी रोमांटिक नहीं होती, बहुत स्ट्रेस भी हो जाता है कई बार। हाँ, कहाँ मतलब इसमें सबसे ज्यादा आर्टिकल 15 लिखते हुए कहाँ पे सबसे तीखी बहस हुई या लगा कि यार अब एक तो ब्लॉक सा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, कहीं पे तो हुआ होगा ना। हाँ, जो बाद में रिजॉल्व किया हो। सेकंड हाफ जब हम शुरू कर रहे थे तो ये हमने बहुत शुरू में डिसाइड कर लिया था कि ये लोगों की कहानी है, नेताओं की कहानी नहीं है। नेताओं का आता है, नेता हमेशा बैकग्राउंड में, वो फिल्म के प्रधान चरित्रों में से कोई नहीं है। तो हम चाहते थे कि ये लोगों के आपसे रिश्तों की कहानी हो, पॉलिटिक्स हो उसमें पूरी फिल्म में, पर जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो बैकग्राउंड में हो, वो आगे ना हो। तो एक वक्त पे जब हम सेकेंड हाफ पे पहुँचे तो वो नेता जो थोड़े वो फोर फ्रंट पे आ गए थे, मतलब जो महंत हैं, जो शांति प्रसाद हैं, और उनके अपने सीन आ गए थे। एक वक्त पे एक सीन आ गया था जिसमें महंत जी अयान से मिलने आते हैं उसके दफ्तर में। अच्छा, फिल्म में ये सीन, फिल्म में ये सीन स्क्रिप्ट में लिखा गया था एक बार। हाँ, फिल्म में नहीं। तो हम सेकंड हाफ के करीब 10-12 मिनट आगे चले गए वो लिखते हुए, और अचानक से हमको लगा कुछ गलत हो रहा है। फिर हम रुके, सोचा क्या गलत हो रहा है, फिर हमको समझ में आया कि हम तो लोगों की कहानी सुनाने चाह रहे थे, नेताओं की कहानी नहीं, वो किसी और फिल्म में हो सकती है। फिर हम वापस आए, फिर से हमने उन नेताओं को बैकफुट पे किया, और फिर हम लोगों की कहानी से चले। एक जो शायद थैंकफुली बड़ा फॉर्चुनेट फैसला था शुरू में कि इसको एक थ्रिलर की तरह ट्रीट करना है, थ्रिलर की तरह कि जिसको एक सामाजिक फिल्म ना भी देखनी हो,
उस वो थ्रिलर के मज़े के लिए आए, दो चार अच्छी बातें सुन के चला जाए, लेकिन ये चाहते थे कि ऐसा ना कहा जाए कि ये इम्पोर्टेंट फिल्म है, अच्छी फिल्म है। हाँ, ये मैसेज वाली फिल्म है, ज़रूरी फिल्म है, वो कहो पर अच्छी फिल्म भी होनी चाहिए, ये कोशिश थी। अब मज़ेदार स्टोरी भी ग्रिपिंग लगे, स्टोरी भी ग्रिपिंग लगे। तो दो फिल्टर लगातार चले, एक तो ये कि जो सोशल कमेंट्री है, जो सोशल पॉलिटिकल है, वो सारी बातें कही जाएं, और एक ये कि थ्रिलर चले। तो हमने कुछ ड्राफ्ट्स सब कुछ भूल के सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे कि थ्रिलर कैसा है, फिर सब कुछ भूल के इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि सारी बातें कह रहे हैं क्या, या तमीज़ से कह रहे हैं ना, मतलब प्रीची होके नहीं कह रहे हैं, लाउड होके नहीं कह रहे। तो कोशिश की कि लाउड होके नहीं कह रहे, हाँ कोशिश रही कि थोड़ा रिस्ट्रेंड होके कहें, ऑडियंस को स्पून फीडिंग ना करें, बातें सारी कह दें पर साथ साथ चलें उनके। आर्टिकल 15 के साथ एक मसला है, समस्या नहीं कहूँगा, एक कंडीशन है। ये फिल्म बहुत मल्टी लेयर्ड है, हाँ बहुत मल्टी लेयर्ड है। तो एक परत तो वो है जो आपने कहा यार एक थ्रिलर देख के आते हैं तो लग कुछ अच्छी बातें भी सीख ली हैं, पर इसमें अविधा में बहुत कम चीज़ें कही गई हैं। अब जैसे शास्त्री है, शास्त्री का कॉल आता है आन को, कैसा चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, कैसा है चारों तरफ, बहुत कीचड़ है क्या, तो वो जवाब देता है लोग भी बहुत हैं। तो ये बड़ा उम्मीद भरा बयान है, पर इसका आपको क्या लगता है कितने कितने लोग इस तरह से इसका पाठ करेंगे कि यार ये तो पूरे सिस्टम के बारे में बात कर दी, एक रेगुलर डायलॉग है, वो तालाब में उतरे हैं, कीचड़ है क्या, हाँ सर है, लोग भी बहुत है, अविधा में है, लोग हैं, कीचड़ है, उसके दो मतलब हैं। हाँ, पर उसका दूसरा एक बहुत बड़ा मतलब है कि आसपास आपको बहुत नाइंसाफी दिख रही है, बेबसी दिख रही है, लड़ाई है, पर आपको दिख रहा है कि बहुत सारे लोग लड़ भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। तो इसीलिए लिखा गया था वो लाइन लिखी भी इसलिए गई थी, और मेरे लिए बहुत पर्सनली इम्पॉर्टेंट लाइन थी वो, कि कीचड़ है क्या, तो लोग भी बहुत है, कि हम उस उम्मीद पे ख़त्म करना चाहते थे। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने वो अर्थ समझे हैं, जिस तरीके से पसंद की जा रही है, अच्छा जिस तरीके से लोग मैसेज कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट लिख रहे हैं, मतलब इतनी भरमार है फेसबुक पे कि आदमी अपराधी महसूस करने, मतलब यार तो ऐसा हो सकता है जो लोग हम लोग मित्र हैं तो हमारे वो, मतलब फेसबुक खोलो तो दे दना अनजान लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे हैं, और वो लाइंस भी कोट कर रहे हैं बहुत सारे लोग। उनमें से कई लाइंस ऐसी थी जिनका कुछ लाइंस तो आपको ज्यादा पता होती हैं कि ये स्ट्रांग डायलॉग है। हाँ। कुछ लाइन आपको स्ट्रांग डायलॉग में कौन-कौन सा था, जैसे सरहद पर जितने मरते हैं उससे ज्यादा गटर में, निषाद का लगभग पूरा वॉइस ओवर कि सरहद पर जितने लोग मरते हैं उससे ज्यादा गटर में मरते हैं, उनके लिए तो कोई मौन भी नहीं रखता। या जब भी कोई, आज ही हमारे लल्लनटॉप शो में भी इस लाइन का जिक्र हुआ। अच्छा। हाँ। और जब भी कोई हथियार ना उठाने को कहता है, क्योंकि जब भी कोई कमज़ोर हथियार उठाने लगता है तो फिर उसको मारना और आसान हो जाता है, और उसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा होता है। बापू वाला वो पूरा तर्क था कि आप हिंसा पे उतरोगे तो उनके लिए बहुत आसान होगा कुछ। हाँ, और फिर पाश की याद आई वहीं पर कि हमें ऐसी देश की सुरक्षा से खतरा है जो ऐसे लोगों को। और पाश की वो पंक्ति तो आती भी है, वो पंक्ति आती भी है। तो पाश मुझे बहुत पसंद है, और पाश का बहुत असर रहा निषाद के किरदार को बनाने में। निषाद का जो अपनी प्रेमिका के साथ एक सीन है जिसमें वो रोता है, उसमें वो बहुत ही कारुणिक दृश्य है। हाँ, और वो इंटरेस्टिंग बात है कि वो शूटिंग के दिन ही लिखा गया था। अच्छा। शूटिंग से 4 घंटे पहले। फिल्म में उसकी जगह कोई और दृश्य था जिससे हम संतुष्ट नहीं थे, और वो दृश्य बहुत इम्पॉर्टेंट था। इसके लिए हमारी बात भी हुई, मेरी और अनुभव की, और फिर मेरी और जिशान की बहुत लंबी बात हुई, और निशान को भी पाश बहुत पसंद है। हम पाश की कविताओं की बात कर रहे थे। पाश की कविता है अब विदा लेता हूँ मेरी दोस्त। पाश की बहुत सारी कविताओं में इस बात को लेके अफसोस और बहुत दुख है कि क्रांति के चक्कर में प्रेम को समय नहीं दे पाया, जबकि वो भी उतना ही महत्वपूर्ण था, या वह जो व्यक्ति, हाँ वो व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण था। तो वो जो अफसोस है, ये मौका था उसको कैप्चर करने का। और मुझे याद है कि एक और सीन शूट हो रहा था सड़क पे, और आम का बगीचा था, वहाँ बैठ के मैंने वो पूरा सीन लिखा, और शाम को शूट होना था, तो बड़ा मज़ा आया। फिर उन दोनों एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो सैनी ने, और हाँ तो बहुत सारे सीन्स हम शूट पे भी लिख रहे थे, कुछ डायलॉग्स बदल रहे थे, मौके पे इम्प्रोवाइजेशन हो रहा था। हाँ, मौके पे इम्प्रोवाइजेशन हो रहा था। ये सीन का तो खूब चर्चे हो रहे हैं इस डायलॉग के, हीरो नहीं चाहिए अयान,
बस ऐसे लोग चाहिए जो हीरो का वेट ना करें, ईश्वरों का इंतजार बंद हो। इसके शायद मुझे याद नहीं क्या था पहले, पर ये डायलॉग बहुत इम्पॉर्टेंट था। इसके 2-3 वर्जन्स लिखे गए थे इस डायलॉग के, फिर फाइनली इस पे पहुँचे कि हीरो नहीं चाहिए यार, ऐसे लोग चाहिए जो हीरो का वेट ना करें। इंटरेस्टिंग बात शायद आपने भी नोटिस की होगी कि अक्सर बॉलीवुड फिल्मों का जो औरत को दिखाने का या प्रेमिका को दिखाने का स्टीरियोटाइप है, उसमें वो आई कैंडी होती है कभी कभी, या असुरक्षित होती है, असुरक्षित होती है, या उसको सब हीरो सिखाता है। एक मर्द होता है जो उसको बताता है समाज के बारे में, आई विल हैंडल, जैसे गंगा जल में है और कहीं में है, और वो हमेशा चिंता करती है कि तुम वापस आओगे ना, उसको अपने अपने परिवार की चिंता होती है। हमने उसका उल्टा किरदार बनाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अदिति उसको लड़ाई में कूदने के लिए प्रेरित कर रही है बार बार, वो आखिरी कहते हैं ना इसके बाद काम खत्म, वो बोलती अभी तो काम शुरू है। और वो जब भी भटकता है तो वो अदिति को, अदिति एक तरह से उसके कॉन्शियंस की वॉइस है, जब वो ऐसा ऐसा हिल रहा होता है तो अदिति उसको दिशा दिखाती है। किसी ने बहुत अच्छा रिव्यू में लिखा, और बहुत ऐसी लोग चीज़ें नोटिस करते हैं, किसी ने लिखा कि श्री कृष्ण और अर्जुन जैसा रिश्ता है उनके बीच, कि एक काम कर रहा है और एक उसको दिशा दिखा रहा है। एक्चुअली हाँ, तो छोटा किरदार है अदिति का, लेकिन इस काम तुम ये सब बता रहे हो और मुझे जो एकदम से ऐसे फ्लैश किया वो सुधीर भाई हैं, तो उनकी फिल्मों के जो महिला किरदार हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, हाँ बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं वो महिला किरदारों में। अगर वो उनकी कमियों की भी बात करते हैं तो वो भी बहुत स्ट्रांगली करते हैं। तारीफों पे बहुत बात हो गई है, अपच हो जाती है भविष्य के लिहाज से। आलोचनाएं भी हुई हैं सोशल मीडिया पे, वो कौन सी आलोचनाएं हैं जो आपको लगी कि ये सिर्फ करने के लिए नहीं कर दी गई, ये दुरुस्त हैं और वो आपके आपको समृद्ध करी, ऐसी कुछ बताना चाहेंगे आप? कल मैंने कुछ पढ़ा जिसमें किसी ने लिखा था कि अयान को, अयान फिल्म के आखिर तक आते आते एक शायद कुछ ऐसा मोमेंट होता है जिसमें अयान को अब से पहले के अपने व्यवहार पे, या जो उसने आज से इन 4 दिनों से पहले कुछ नहीं किया था ज़िंदगी में, वो इस रियलिटी के बारे में, जिस शहर से वो आया, मतलब वो इंडिफरेंट रहना अफोर्ड कर सकता था, उसने किया, पर उसमें कोई गिल्ट नहीं दिखा लोगों को उस चीज़ का। अयान समाज के लिए तो नाराज़ है, ऐसा किसी ने कहा, जो कि बड़ी सब्जेक्टिव सी बात है, पर मुझे लगा कि शायद ये दिख जाता तो और अच्छा होता। हो सकता है अयान में हो, पर वो शायद दिखा नहीं किसी किसी लोगों को। हालांकि मुझे लगता है कि अयान जब आलोचना कर रहा है, जब वो कह रहा है व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, तो वो पूरे समाज की ही कर रहा है, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। पर शायद हो सकता है लाउड हो जाते अगर वो खुद की भी आलोचना करता, पर एक वो तर्क है। और इसके अलावा गटर वाला सीन, गटर वाले सीन पर भी काफी आलोचना लिखी जा रही है। अच्छा, मुझे नहीं पता, गटर वाले सीन पे तो बहुत तारीफ भी मिल रही है। हाँ, तारीफ बहुत ज्यादा, आलोचना ये कि अंततः तो इन्होंने उनसे ही गटर साफ करवाया जिनसे करवाया जाता रहा है, इस तरह की आलोचना। उसको काउंटर करने के लिए अयान कीचड़ में उतरता है एंड में, फिल्म का जो आखिरी मैसेज है जिसमें अयान कहता है कि कभी तो ब्राह्मणों को भी उतरना पड़ेगा ना, तो क्योंकि जी से बात करते हुए कुमुद भाई के कैरेक्टर से, उस वक्त वो इतनी जल्दबाजी में था, बच्ची को ढूंढना था, वो समाज नहीं बदल सकता था उस एक दिन में, उस एक दिन में वो अपर कास्ट को कन्विंस नहीं कर सकता था कि तुम लोग दलदल में उतरो। तो उसने निषाद से कहा कि हड़ताल तोड़ दो ताकि सफाई कर्मचारी आ जाएं और वो पूजा को ढूंढने में मदद करें, लेकिन जब आखिर में फिल्म पहुंचती है तो वो खुद उतरता है, अंग्रेजी पढ़ा हुआ ब्राह्मण आदमी को उतरता है और कहता है कभी तो ब्राह्मणों को भी उतरना पड़ेगा, चाहे कपड़े गंदे हो जाएं, चाहे इमेज गंदी हो जाए आपकी नज़र में अपनी, पर उतरना तो पड़ेगा। और वो सीन कैसे शूट किया जिसमें एक आदमी गटर से निकल रहा है, हालांकि बहुत भयानक था वो। मतलब वो हर 3 दिन में एक ऐसा ही आदमी है जो गटर में उतरता है इस देश में और नहीं लौटता है, लाश लौटती है, हर 3 दिन में एक व्यक्ति इस देश में गटर साफ करते हुए मरता है। और उसमें एक दृश्य है जिसमें वो गटर से निकल रहा है, वो कैसे शूट किया, वो रियल सीन था? वो रियल सीन था और उसको शूट करते हुए बहुत बुरा फील हो रहा था।
मतलब क्योंकि वो रियल एक सफाई कर्मचारी था वहाँ का, मलिहाबाद में शूट कर रहे थे, हालांकि हम बतौर एक्टर लेके आए थे उसे, और जो उसे नॉर्मली पैसा मिलता था उसी काम का उससे कई गुना ज़्यादा पैसा भी दे रहे थे, लेकिन तब भी बहुत बुरा फील हो रहा था, हालांकि बहुत ज़रूरी था जिस चीज़ को हम दिखाना चाहते थे। आप लाखों लोगों को बुरा फील कराना चाहते हो, इसलिए लाखों लोग शूट करना, हाँ हाँ, इसलिए वो सीन शूट करना था, और उसके कई रीटेक भी करने पड़े किसी ना किसी वजह से, कैमरा की वजह से और उसकी वजह से, तो वो अजीब सी फीलिंग थी बहुत। हालांकि वो जो पानी हमने जो जिससे गटर भरा गया था वो काला पानी था और थोड़ा बहुत कचरा था उसमें, मतलब वो उस जिस गटर में वो रोज़ उतरता होगा उससे तो कई गुना शुद्ध था, फिर भी वो बार बार अंदर जा रहा था और बाहर आ रहा था, मतलब हम लोगों की रूह कांप गई थी उसको देखते हुए। तो उसको देखते हुए लगा कि शायद फिल्म में भी, और हल्का सा वंदे मातरम आता है उसके पीछे जब वो उसका सीन आता है, और उससे जस्ट पहले निषाद का डायलॉग है, सर आपके लोग काम पे आ जाएंगे। काम पे जाने का मतलब मिडिल क्लास के लिए बड़ा खुशनुमा है कि टिफ़िन लेके अच्छे कपड़े पहन के पिताजी ऑफिस जाएंगे, शाम को लौटेंगे, चाय पियेंगे, फिर फिल्म देखने जाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए काम पे जाने का मतलब गटर में जाना है। अगर इसकी को इमेजिन करें कि आपके पिता रोज़ काम पे जब जाते हैं तो वो दरअसल गटर में जा रहे हैं, कितने हज़ारों बच्चों के लिए ऐसा है, बिना किसी सिक्योरिटी इक्विपमेंट के, उनकी कोई मेडिकल केयर नहीं होती है, वो घुस जाते हैं, कभी कुछ काट लेता है, कभी सांस रुकने से मर जाते हैं, इतनी बीमारियां हो जाती हैं। और कितने सारे ऐसे लोग रोज़ काम पे जाते हैं, काम से लौट के घर आते हैं, हम जब सड़क से गुजरते हैं ये सारे लोग हमें दिखते हैं, सब लोग दिखते हैं, हर आदमी ने देखा है ये दृश्य, पर हमें क्यों पागल नहीं कर देता ये। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जो सिग्नल पे बच्चा भीख मांग रहा है उससे हम डिसेंसिटाइज हो गए हैं, वो कभी पेंसिल बेचने आता है ठक ठक करके, कभी कभी हम 5-10 रुपए दे देते हैं, पर हम में से कोई भी ये कोशिश नहीं कर रहा कि ये बच्चे आते कहाँ से हैं और ये रात को जाते कहाँ से हैं, क्या कोई इनको अब्यूज़ कर रहा है, क्या कोई इनका इस्तेमाल कर रहा है, क्या नेटवर्क है। एक सभ्य देश में जिसकी इकॉनमी इतनी बड़ी है, ऐसे शहरों में जो इतना पैसा कमाते हैं, ऐसे बच्चे इतने खुलेआम बेबस अनाथ क्यों घूम रहे हैं? अगर वो किसी के बच्चे भी हैं, अनाथ नहीं भी हैं, तो भी वो ऐसे क्यों घूम रहे हैं? तो हम लोग इतने आदि हो गए हैं, मुझे लगता है इन सब बातों पे बातचीत करने की ज़रूरत है। शायद हम उन तरीक़ों से बात नहीं कर सके हैं ज़्यादातर समय कि ज़्यादा लोग विचलित हों, पर ये फिल्म ऐसी ही कोशिश थी कि वो जो एक दलित एक बाप कहता है कि अगर उनको रात भर रख के छोड़ दिए होते तो भी ठीक था, हत्या कर दिए, मतलब वो स्वीकारता का लेवल और हाँ, बेचारगी का लेवल, हाँ, उसकी बेबसी बेचारगी ऐसी है कि वो उसके साथ जीने को फिर भी तैयार है अगर जिंदा। और ब्रह्मदत्त का किरदार भी कहता है हाँ कि 4-6 दिन के बाद छोड़ देते, मारने की क्या जरूरत थी। तो ये आम है, ये हमारी रिसर्च थी, कई रियल घटनाओं में पढ़ा था, किसी रियल घटना में एक बाप ने सच में कहा था ऐसा कि अगर हमारी बच्चियों को 4-6 दिन रख के छोड़ देते तो भी ठीक था, या रात भर रख के छोड़ देते तो भी ठीक था। और वो कितनी बेबसी होगी जिसमें रेप या गैंग रेप को स्वीकार कर लिया जा रहा है ताकि बस वो जीती रहे। इसलिए कई ज़्यादातर मामलों में FIR भी नहीं कराई जाती, क्योंकि परिवार को जान का खतरा होता है, उन लड़कियों को जान का खतरा होता है। कितने सारे इंसिडेंट होते हैं, टीनेजर लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कई बार उनका अबॉर्शन होता है, कई बार वो बच्चे भी पैदा करती हैं और वो चलता रहता है। सर वो बार बार बोलते हैं, अरे सर इनके यहाँ तो ऐसा ही चलता है, इनके यहाँ ऐसा ही चलता है, इनके यहाँ ऐसा ही चलता है, क्योंकि वो सब ह्यूमन लगते हैं आपको, वो लगता है कि इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनसे कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं। इसमें आर्टिकल 15 में कई जगह कोमल क्षण आते हैं, कई जगह ऐसा लगता है कि नहीं अभी थोड़ी सी रोशनी है, क्योंकि अंततः जो कुछ किरदार हैं जो अपनी अपनी जगह एड़ियाँ मजबूती से कर और धसा कर लड़ रहे हैं, उनको भी तो थोड़ा सा ताज़ा दम होने के लिए कुछ खुशी चाहिए। जैसे निषाद रोता है, या वो एक प्रसंग है जिसमें जाटव जी बताते हैं, मयंक बता रहे हैं जिनका प्रेम पत्र पकड़ा गया था, उस तरह के क्षण हैं, या अयान और अदिति बात कर रहे हैं, पर फिल्म में इस तरह के क्षण कम आते हैं। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि टोन डाउन हो जाएगा, मतलब वो जो एक तनाव आप बुन रहे हैं वो कम ना पड़ जाए, इसलिए
जो बहुत रेगुलर से क्षण हैं वो कम दिखाए, जैसे अमली और अयान के बीच की बातचीत है, क्या बना लेती हो, उसमें एक बहुत बड़ा सुंदर दृश्य है कि वो कपड़े बदल रहा है, वो एकदम से आ जाती है तो उसकी जो अर्जित समझ है तो वो उस झिझक से पीछे हटता है और वो कोई बात नहीं बेटा बेटा कह के वो उसको कंफर्टेबल करता है। हाँ वो पर इस तरह के क्षण कई जगह लगता है कि यार और हो सकते थे और इनके जरिए किरदारों के बारे में हम और जान पाते। सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात ये थी कि जो अर्जेंसी है बच्ची को ढूंढने की वो बहुत ज़्यादा है, और एक समय के बाद चैन से बैठने के का वक्त बहुत कम होता किसी भी नॉर्मल बातचीत का। हम ट्राई कर रहे थे बीच बीच में, तो जो आसपास के लोगों का भी रिस्पांस था, क्रू का और उन लोगों का जो फीडबैक आ रहे थे, जैसे फर्स्ट एडी जो फिल्म का एसोसिएट डायरेक्टर जो विख्यात है, हम एक ड्राफ्ट के बाद उसने कहा, वो नाराज़ हो गया इस बात पे। सेकंड हाफ में एक वक्त था जिसमें आन घर एक सीन था, वो घर जाता है, नहाता है, खाना खाता है, तो वो बोला कि ये खाना क्यों खा रहा है घर जाके जब बच्ची नहीं ढूंढ रहा, मतलब इसको इतना समय मिल रहा है कि तसल्ली से शावर ले रहा है, खाना खा रहा है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ होती है, पर शायद फिल्म में वो उसकी इंटेंसिटी को कम कर देती, शायद वो जो गति है, जो बेचैनी है जो हम लाना चाह रहे थे उस बच्ची के गायब होने के बाद, उसको कम कर देती। पर उसमें एक प्रति आख्यान ये भी तो है कि ये भी दिखाता है कि साहब ये सब चीज़ें चल रही हैं, उसके इतर भी कुछ चल रहा है साथ। असल में शायद ये एक ड्रामा फिल्म होती तो बड़ा वो पॉसिबल था करना, पर वो थ्रिलर वाला हमारे मन में था कि इसको थ्रिलर बनाना है, शायद वो अलग फिल्म हो सकती थी जिसमें ऐसे मोमेंट ज़्यादा होते। जब जब हम ऐसे मोमेंट ला रहे थे फिल्म की गति धीमी पड़ रही थी, तो उन बातों के चक्कर में हम मेन कहानी से भटक रहे थे। तो ड्रामा में ऐसा होता है नॉर्मली कि आप बहुत सारी बातें कहते हो और तसल्ली से कहते हो। अगर ये तीसरी बच्ची को ढूंढने की बेचैनी इतनी ज़्यादा ना होती तो हम शायद तसल्ली से कह पाते, शायद अगली फिल्म में किसी और फिल्म में आपकी ये शिकायत दूर करें। नहीं नहीं शिकायत नहीं है ये, तो देखिए ऐसा है ना कि कल मैच देख रहा था, रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी, अब वो रिकॉर्ड बुक ले जाए सेंचुरी मारी, पर वो 104वें रन पे जिस तरह का शॉट खेल के आउट हुआ ना, तो उसकी खीज है, तो वो खीज हमेशा रहती मतलब है, रहनी भी खीज चाहिए, उम्मीद से ही उपजती है। उम्मीद खत्म हो जाएगी, खींच खत्म हो जाएगी, फिर जो कुछ आएगा वो बिल्कुल ही तहस नहस करके, और खींच हमें अगली बार के लिए बेहतर बनाती है शायद, अगली बार ज़्यादा सतर्क भी बनाती है, ज़्यादा समृद्ध बनाती है। एक कवि जब कहानी लिखता है तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है या ज़्यादा सहज होता है? कविता ही ज़्यादा मुश्किल है शायद, शास्त्रीयता की माने तो। दोनों की अपनी अपनी मुश्किलें हैं। कविता में शब्द आपको बड़े अच्छे से बचा भी लेते हैं कई बार, कविता में अगर आप, और कविता अक्सर, जैसे मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कविता बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से खुद आती है, और फिर जो आपने पढ़ा लिखा है वो उसको एक क्राफ्ट देता है, लेकिन जो भावना है, जो ख्याल है, वो खुद आता है। कहानी को ज़्यादा स्किलफुली, कहानी में क्राफ्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थोड़ी लंबी चीज़ होती है, क्योंकि उसको ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली देखने की ज़रूरत होती है, आप उसको ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचाना चाहते हैं। स्क्रीन प्ले में कहानी से और ज़्यादा चैलेंजिंग ये हो जाता है कि आप और ज़्यादा लोगों से बात करना चाहते हैं, और वो सिर्फ एक आपकी आवाज़ नहीं है, वो उन बहुत सारे किरदारों की आवाज़ है। तो लिटरेरी कहानी से, साहित्यिक कहानी से स्क्रीन प्ले में एक और फ़र्क आ जाता है, और उसकी अच्छी बात एक ये ऐड होती है कि उस कहानी के ऊपर इतने परफॉर्मर आते हैं जो ऐड करते हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइन होता है, म्यूज़िक होता है, एडिटर होता है जो एडिट करता है, एक आदमी शूट करता है, तो वो कहानी, मतलब जैसा फिल्म के बारे में कहा जाता है कि सब कला विधाओं का मिक्स है, कविता भी है, कहानी भी है, पेंटिंग भी है, म्यूज़िक भी है। एक आखिरी बात, मतलब वैसे तो हम घंटों बात कर सकते हैं, अंशु का किरदार है एक, अंशु नेहरिया का, उससे अयान बात कर रहा है, पुलिस थाने में तफ्तीश चल रही है, और क्यों मारा था लड़कियों को, इससे बातचीत शुरू होती है। तो जब अयान पूछता है तो मारा, अंशु जवाब देता है ऐसे तो सब बढ़ाने को बोलेंगे और काम छोड़ के चले जाएंगे। फिर जो बात करता है कि शहर में कुछ काम ही नहीं होगा, घर में दूध का पैकेट नहीं आएगा, नल खुद ठीक करना पड़ेगा, जूता खुद सिलना पड़ेगा, कितना उसको स्वीकार्य बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको गौरव सोलंकी क्या ये लगता है कि
आर्टिकल 15 बनने के बाद, इतनी तीखी प्रतिक्रियाओं के बाद, जैसा आपने खुद कहा कि आपको कई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई जिनमें आगे पंडित या राजपूत या सब लगा हुआ है, कुछ और है, मतलब ये तो एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जो एक नागरिक के तौर पर किए जाने की ज़रूरत है? मतलब ये बड़ी, ये बहुत ही ठंडी और क्रूड स्वीकार्यता है ये है? जब कि फिर तो जूता खुद सिलना पड़ेगा, हाँ, और नल खुद ठीक करना पड़ेगा, और दूध कौन लेके आएगा घर में? तो जिन कामों के, जो हमने फिल्म में कहा भी है कि जो निषाद का एक वॉइस ओवर है कि इनका अनाज तुम उगाते हो, इनकी लाशें तुम जलाते हो, इनके बच्चे तुम पैदा करते हो, इनका मैला तुम उठाते हो, सब कामों के लिए जिसको ये खुद कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग कुछ खास कम्युनिटीज़ के लोगों पर निर्भर हैं और बड़ी आसानी से, वो मेजॉरिटी में है संख्या में, लेकिन उन्हें माइनॉरिटी बोलना होता है क्योंकि वो पावर में माइनॉरिटी में है, तो एक किनारे धकेल दिया गया बहुत सारे लोगों को। और तर्क यही देता है अक्सर, मिडिल क्लास का तर्क यही होता है कि मतलब अगर व्यवस्था, जो भी जातिवादी व्यवस्था है, वो आपको बोले कि सर आप तो कह रहे हो जातिवाद ख़त्म कर दो या सबको बराबर ले आओ, ये करो, फिर आपका नाली कौन साफ करेगा, आप खुद करोगे? तो लोग कहेंगे नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, तो आदमी थोड़ा पीछे चला जाता है, अगर वो बदलाव लाने की तरफ आता भी होगा, जो तर्क दिया जाता है जिसकी हमने बात की। मुझे लगता है कि हम उन लोगों के प्रति थोड़े और संवेदनशील हों अगर, जो हम, जो जिनका यथार्थ हमारे जैसा नहीं है, जिनके हालात हमसे अलग हैं, जो ऐसी हालात में पैदा हुए हैं, ऐसे परिवारों में, जैसे वो बोलता है जब वो मनीष और उसका संवाद हो रहा होता है, कहता है यार तुम्हारा अप्रोच बहुत नेगेटिव है, जाटव जी को देखो, उन्होंने भी तो सेम पे स्केल पर है, पिताजी झाड़ू लगाते थे, ये यहाँ पहुंच गए, सेम पे स्केल है मेरा और इनका। फिर उस पे वो जो जवाब देता है कि यार तुम्हारा बनाया खाना कभी नहीं फेंका गया है, तुमसे हाथ मिला के कोई हाथ नहीं धोता है, तुम्हारी मंदिर में घुसने पे हड्डियां नहीं तोड़ता है कोई, तो सब कम्युनिटीज की प्रॉब्लम है, वो बोलता है। पर किसी कम्युनिटीज की प्रॉब्लम इतनी विभत्स है कि उनका बेसिक जिंदगी जीना ही इतना मुश्किल हो रहा है, एक सम्मानजनक बराबरी की जिंदगी जो मूल अधिकार है, वही नहीं मिल पा रहा है लाखों करोड़ों लोगों को ठीक से। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म का मकसद या ऐसी फिल्मों का मकसद यही है कि जो लोग कुछ बदलाव ला सकते हैं वो थोड़े ज़्यादा संवेदनशील हों। हम जैसे मजाक में किसी का अपमान करने के लिए हम उन जातियों का इस्तेमाल कर देते हैं, किसी की बदहाली पे, किसी के कपड़े हमको ख़राब लगते हैं तो बड़े आराम से कूल माना जाता है इन शब्दों का इस्तेमाल करना। भाषा का ये जो हिंसा है, वायलेंस है, ये ख़त्म हो, कम हो, ख़त्म ही हो, मतलब कम तो क्या हो, तो हम ज़्यादा संवेदनशील हो जाएं इन समस्याओं को लेके, तो शायद कुछ बदलाव आ सकता है। कहब तो लग जाए ढक से, यही मकसद था कि ढक से लग जाए। कौन जात हो अम्मा यहीं पे ख़त्म होता है, और हॉर्न की आवाज़ में वो जवाब दब जाता है। बहुत बधाई आपको गौरव सोलंकी, बहुत शुक्रिया। सब तरफ फिल्म की, फिल्म के संवादों की, फिल्म की कहानी की, फिल्म की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, जो क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं वो कंटेंट पे कर रहे हैं, और ये हिंदी फिल्मों के लिए एक अच्छी चीज़ है। इससे एक बातचीत शुरू हो रही है जो अच्छी, आलोचना भी और तारीफ भी दोनों बहुत अच्छी चीज़ हैं। हाँ, पर हो रहा है, मतलब पीपल आर रिएक्टिंग टू इट, पीपल वांट टू टॉक अबाउट इट, लोग अपने घरों में या ऑफिसेज में या फेसबुक पे, ट्विटर पे बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस पे भी मेरे ख्याल से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब बहुत अच्छा है, अरसे बाद खूब चर्चा हो रही है, और एक्टर्स का तो काम अच्छा है ही, बहुत अच्छा। अनुभव से होपफुली जल्द मुलाकात होगी, तब फिल्म के डायरेक्शन वाले पक्ष पे और बाकी सब चीज़ों पर भी बात होगी। मैं आखिरी में आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, गो कि आप किस्सा गो हैं। मैं ये फिल्म देखने गया यहीं नोएडा में एक सिनेमा हॉल में, और मैं बहुत ही ठेठ बुंदेली लहजे में कहूँ तो चूल्हे में जाएं और ऐसी तैसी कराएं हमारे बगल में बैठे लोग जो ये फिल्म देख रहे थे, तो एक हष्टपुष्ट युवा था, और चूंकि वो हष्टपुष्ट था इसलिए मैं उसको टोक भी नहीं पाया कि भाई साहब ये बदतमीजी होने की नौबत आ सकती है, हाँ, कि ये बदतमीजी होती है कि लोग फिल्म देख रहे हैं और आप लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और उनके बगल में उनकी मित्र कह लीजिए, प्रेमिका कह लीजिए, मतलब कैसे ही जज करें क्या होंगी, पर काफ़ी अंतरंग ढंग से बात कर रहे थे, और वो लगातार कर रहे थे, तो हम लोग लगातार एनॉयड हो रहे थे क्योंकि फिल्म मल्टी लेयर्ड है, तो आप एक भी डायलॉग, एक भी पॉज मिस नहीं करना चाहते हो, और फिर ये बातचीतें भी करनी थी,
और उस सब के बीच एक दृश्य आता है जिसमें जय भीम का जिक्र आता है, एंड देन शी आस्क, और वो मेरे लिए फिल्म का वो जो मैं आपको नीचे बता रहा था कि वो पूछती जय भीम क्या होता है जानू, और लड़का जवाब देता है कि नहीं इन लोगों में ऐसा भूला जाता है। बड़े अफसोस और विडंबना की बात है। हाँ, मतलब वो बड़ा कि सारी फिल्म ही इस बारे में कि इन लोग किन लोग। हाँ, बार बार पूछते हैं ये लोग कौन लोग, वे लोग कौन लोग, और वो भाई कह रहे हैं कि इन लोगों में ऐसा बोला जाता है। कुछ लोगों को ये भी लगा कि ये अर्जुन के भाई भीम की बात हो रही है, तो मुझे लगा शायद इससे हम भीमराव अंबेडकर को भी थोड़ा ज़्यादा जानने को उत्सुक होंगे। जनक इसमें एक देखिए, अव्वल तो ये है जैसे कई लोगों ने लिखा कि साहब गौरव सोलंकी और अनुभव सिन्हा सहानुभूति तो रख सकते हैं, पर जो एक बड़ी पुरानी लड़ाई है समानुभूति नहीं रख सकते, तो फिर तो गौरव सोलंकी सिर्फ पुरुषों की और सोलंकियों की कहानी लिखे और अनुभव सिन्हा सिर्फ अनुभव की और सिन्हाओं की कहानी लिखे। हाँ। तो ये तो बहुत ही हो गया, फिर तो आप महिलाओं की भी बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि बोले आपने तो आपको पता ही नहीं है कैसा होता है कोख होना, योनि होना, स्तन होना, औरत होना, औरत का मन होना, औरत का तन होना, औरत के हालात होना, और एक कलाकार का तो काम ही यही है कि वो दूसरों की जिंदगियों में उतर सके और उनको अभिव्यक्त कर सके। आपने जिक्र किया तो मुझे लगा कि ये बात भी कह देनी चाहिए, ये दलित आंदोलन की एक बड़ी विफलता है दोस्त। आपने कहा तो ख्याल आया कि अगर लोगों को लग रहा है कि ये जय भीम अर्जुन वाला भीम है, एक बहुत एक बड़ी आलोचना तो लोगों की भी है, नहीं नहीं ये और है, ये बड़ा है, बड़ी आलोचना तो उनकी भी है जिनको नहीं पता, पर जो जय भीम आंदोलन वाले हैं उनको भी जरूरत है कि वहां पे भी एक किस्म का जातिवाद है, इसका फिल्म में भी जिक्र होता है कि दलितों के बीच भी एक ब्राह्मणवाद है, है ना, तो जाटो जी कहते हैं पास जी नीचे के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, आप ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणवादी नहीं हो सकते हैं और आप महादलित होकर भी ब्राह्मणवादी हो सकते हैं, कि वो जय भीम या संविधान या क्यों इतना अकीदा दिखाते हैं संविधान सबको, उसको सबके पास लेके जाएं उस आंदोलन को, उसको हाँ उसको ऐसा अपने खांचे में ना रखें, हाँ जो और जातियों के लोग हैं और तबकों के लोग हैं उन तक भी जाए कि, हाँ, कि क्या बात कर रहे हैं, हाँ कि हमारी चिंताएं क्या है, हाँ, तो वो भी एक सेंसिटाइज करने का, हाँ, तरीका हो कि मतलब नोएडा के एक बड़े पार्क में अंबेडकर जयंती मने, हाँ, और उस अंबेडकर जयंती का न्योता सब घरों को दिया जाए, हाँ, हाँ, और आत्मीयता के साथ दिया जाए, हाँ, वो हमेशा उग्रता है, हमेशा आप मिलिटेंट ढंग से काम नहीं कर सकते, और हो सकता है पहले कम लोग आए पर, हाँ, इस तरह धीरे धीरे बातचीत थोड़ी आगे बढ़ेगी, हाँ, तो ये जो इन लोगों और उन लोगों का फर्क, मतलब अम्बेडकर हम सबके हैं, बिल्कुल वो सिर्फ दलितों के नहीं है, और जय भीम का नारा तो सब बोल सकते, सब बोल सकते, क्योंकि जब आप जय भीम बोल रहे हो तो आप दरअसल ये कह रहे हो यार एक व्यक्ति था जो हमारे समाज की वजह से जनता पिछड़ा माना गया, हाँ, लेकिन उसने अपनी मेहनत के दम पर वो किया और संविधान बनाने में एक अहम रोल निभाया, हाँ, तो जब आप जय भीम कह रहे हो तो आप उसकी पूरी यात्रा के विरुद्ध काबिलियत को सलाम कर रहे हो, हाँ, तो मुझे लगता है शायद ये जागरूकता थोड़ी सी फिल्म से बढ़ सकती है कि जय भीम लोग पूछें एक दूसरे से, हाँ, और क्या कोई बता जय भीम क्या होता है, तो अगर सारे कपल्स ये पूछने लगे एक दूसरे से तो जय भीम क्या होता है, बात बहुत आगे जाएगी। आप देख रहे हैं दी ललनटॉप, किताब वाला की ये बातचीत जो मेरे जाने अधूरी है पर वक्त का तकाजा है, कितना वक्त हो गया रजत जी, 50 मिनट। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने ये वीडियो देखना शुरू कर दिया है और आपको लग रहा है कि ये बहुत ही अटपटी बात हो रही है, एकदम से कोई अयान का जिक्र हो रहा है, अदिति का जिक्र हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी सलाह है कि पहले आप आर्टिकल 15 फिल्म देखें, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे या आर्टिकल 15 का जो ड्राफ्ट है, पर ड्राफ्ट भी मुझे लगता है कि फिल्म देखने के बाद पढ़ें, पढ़ना चाहिए इसका, तो स्क्रीन प्ले किताब के फॉर्म में आ रहा है, किताब के फॉर्म में है, तो आपको ये बातचीत शायद थोड़ी ज़्यादा रोचक लगे, ज़रूरी लगे, फिर भी बातचीत है, आपने देखी, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो वो ज़रूर दर्ज करवाएँ, और व्यक्तिगत रूप से मेरी और गौरव की भी ये अपील है, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जितनी भी लड़ाइयों में मुब्तिला हैं, उन सब लड़ाइयों के बीच एक मोर्चा जातिगत श्रेष्ठता के खिलाफ भी ज़रूर खोलें। आप अपनी कारों के पीछे चाहे जाटव लिखवा रहे हैं, चाहे पंडित लिखवा रहे हैं, मेरी जानिब तो दोनों ही गड़बड़ है, दोनों ही गड़बड़ है, जाति का जो गर्व है वो बेकार का गर्व है, चाहे वहाँ की कोई भी जाति, कई लोग बोलते हैं कि नहीं साहब
एनालेशन ऑफ कास्ट के अगेंस्ट जो एक काशी राम की थ्योरी आई थी एम्पावरमेंट ऑफ कास्ट, पर वो भी दैट वोंट लीड टू एनीथिंग, मतलब एक गलत को ठीक करने के लिए दूसरा गलत और उससे एक संघर्ष, हाँ रिएक्शन बढ़ेगा, फिर इधर ज्यादा एग्रेशन आएगा उधर ज्यादा एग्रेशन आएगा, तो वो जातिगत श्रेष्ठता किसी भी तरह की प्रॉब्लमैटिक है। और किताबें पढ़िए, किताबें बेहतर इंसान बनाती हैं और एक दूसरे की लड़ाइयों में सहयोगी बने, हम सब सहयोगी बने और कम से कम समझने की कोशिश तो करें भाई। मैं बहुत से बहुत क्या होगा, मैं सहमत नहीं हूं आपसे, पर मुझे पता तो चल गया ना इसका व्यू पॉइंट क्या है। असहमत होना देश ज्यादा सीखे, ज्यादा सीखे और दूसरे की असहमति को इज्जत देना। हाँ भाई, मतलब उसमें वही था कि असहमति के साथ रहना भी बहुत अच्छी चीज है, जिससे घरों में तो रहते ही, घरों में तो रहते ही, तो देश एक बहुत बड़ा घर है, देश बहुत बड़ा घर है। और एक आपका घर है, आपका दोस्त है इसी देश का, दी लल्लनटॉप, जिसको आपने इतना प्यार दिया, सराहना दी। अगर आपको लल्लनटॉप की पत्रकारिता, लल्लनटॉप की वीडियोस पसंद हैं, तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे हमारे पेज को लाइक करें, और लल्लनटॉप की ऐप APP आ गई है एंड्रॉयड पर, उसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि सारे वीडियो सबसे पहले वहीं पर अपलोड होते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत।